नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चुड़ैल का बर्तन भाग एक में आपने जाना कि कैसे राम दीन को एक दुर्लभ बर्तन की प्राप्ति होती है, जिसकी वजह से अब वह अद्भुत रूप से पूरे गांव में सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति बन जाता है। उस बर्तन को उठाकर वह अपने नए घर में लेकर जाता है और यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया था। उसे बार बार इस बात को लेकर बड़ा अचरज हो रहा था कि कैसे वह इतना ज्यादा धनवान बन गया है। और फिर बड़े ही आराम से वह सो गया। सुबह जब वह उठा तो बड़ा खुश था और जाकर यह बात उसने अपनी माता को बताई, घर के बाकी लोगों को बताई, अपने भाइयों को बताई। सब बड़े अचरज से इसे देख रहे थे। इस बात की सत्यता और प्रमाण प्राप्त करने के लिए बाकी सारे लोग उनकी माँ सहित उसके घर पे आ जाते हैं। और जब वह बर्तन को एक बार फिर से खोल कर दिखाता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। यह देखकर बाकी सारे लोग हंसने लगते हैं। रामदीन से कहते हैं, रात को भांग पी ली थी क्या, जो तुम्हें ऐसी चीजें नजर आ रही हैं? खुद देखो, इस बर्तन में कहीं पर भी एक भी सोने या चांदी का सिक्का नहीं है, जबकि तुमने कहा था कि तुम्हारा पूरा बर्तन ही सोने और चांदी से भरा हुआ है। यह बात बड़ी अचरज भरी थी। तो रात को क्या उसने अपनी सोच के आधार पे सारी बातें हुई थी? या फिर कहीं किसी ने उसके सो जाने के बाद में सारा खेल अंजाम दे दिया और उसका सारा सोना चांदी ले लिया? यह सारी बातें उसके लिए बड़ी ही अचरज भरी थी। मरता क्या ना करता, आखिरकार वह फिर से परेशान हो गया और रात को सोने के लिए अपने ही घर में तारे गिनते हुए सोने की कोशिश करने लगा। अभी कल रात तक वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने जैसे स्थिति को प्राप्त कर लिया था, किंतु आज उसके पास फिर से कुछ भी नहीं है। घर वालों ने उसकी जमीन जायदाद तो वैसे ही छीन रखी है, जो उसे प्राप्त हुआ था वह भी अब उसे प्राप्त नहीं है। वह बहुत दुखी होकर रोने लगा कि तभी उसने पायल की कुछ आवाजें सुनी। उन आवाजों से उसका ध्यान भटक गया और वह वहां से उठ गया, उठकर चलने लगा। और जिधर से पायल की आवाज आ रही थी उधर उस आवाज का पीछा करने लगा। रात का अंधेरा बहुत ज्यादा था, शायद अमावस की रात थी, इसी कारण से कुछ भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वह आवाज इतनी ज्यादा मधुर उसे लग रही थी कि वह चाहता था कि वह उसका पीछा करे। और कुछ दूर चलने के बाद एक स्थान पर एक स्त्री को उसने बैठे हुए देखा, जो कि एक चूल्हे को तैयार कर रही थी और उस चूल्हे की लकड़ी वगैरह सब उसने जला ली थी। लेकिन वह इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी जो उसे नहीं मिल रहा था। यह व्यक्ति रामदीन उसके पास पहुंचता है और उससे कहता है, इतनी रात को इस सुनसान जगह में बाहर खाना तुम क्यों बना रही हो? इसके पीछे का कारण क्या है? तुम कौन हो और यहाँ पर इस प्रकार से भोजन बनाने की तैयारी करने का क्या उद्देश्य है? तब वह कहने लगी, अरे मुझे तो बहुत समय हो गया है ऐसा करते हुए, शायद पहली बार तुमने देखा इसीलिए ऐसा कह रहे हो, लेकिन समस्या यह है कि मेरा बर्तन कहीं खो गया है। वह काले रंग का एक बड़ा सा बर्तन था, मैं उसी में अपना भोजन बनाती थी, पर पता नहीं वह बर्तन कहाँ खो गया है। तब रामदीन ने कहा, इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है, मैं आपकी मदद कर दूंगा, आप मेरे घर चलिए। इस प्रकार खुले में खाना बनाना ठीक भी नहीं है और इसके बदले बस थोड़ा सा भोजन मेरे लिए भी बना दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ और मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहता, मेरी माँ मेरे भाई लोगों ने मुझे धोखा दिया है। यह बात सुनकर वह स्त्री कहने लगी, ठीक है, पहले मुझे वचन दो कि तुम मुझे अपने घर लेकर जाओगे। तब रामदीन ने कहा, इसमें वचन देने जैसी कौन सी बात है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जा तो रहा हूँ। लेकिन उस स्त्री ने कहा, कोई भी स्त्री किसी के घर में यूं ही नहीं जाती है जब तक कि वह वचन ना दे। देखा भी होगा, जब विवाह होता है तो वचन ही तो दिए जाते हैं। यह सुनकर रामदीन हंसने लगा और वह कहने लगा, मैं कोई तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर थोड़े ही ले जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम मेरे घर में आ सकती हो। तब वह स्त्री अपना हाथ
रामदीन के हाथ पर रखकर कहने लगी, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ रहने का वचन देती हूँ और तुम्हारे लिए भोजन भी अवश्य बनाऊंगी। वह स्त्री रामदीन के साथ उसके घर पर आ जाती है और उसी बर्तन को उठाकर उसे चूल्हे पर चढ़ा देती है। कुछ देर बाद बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन वह बनाकर रामदीन को देती है। रामदीन उसे खाकर तृप्त हो जाता है और कहता है, इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने कभी नहीं किया। मेरा तो मन हो रहा है कि आपसे एक वचन मैं भी ले लूं कि आप मेरे लिए इस भोजन को रोज बनाएंगी। तब वह कहने लगी, ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मैं यहीं पर सोऊंगी। आप अगर किसी लोक लज्जा में नहीं फंसे हैं तो मुझे यहीं सोने दीजिए। तब रामदीन ने कहा, ठीक है, अब इतना तो मैं कर सकता हूँ, वैसे भी रात्रि बहुत हो चुकी है। और फिर रामदीन के साथ ही वह स्त्री भी सो गई। सुबह रामदीन जब उठा तो वहाँ पर वह स्त्री नहीं थी और उस बर्तन में गरम गरम भोजन बना हुआ तैयार रखा था। उसने बहुत ही सुंदर खिचड़ी उसमें बना रखी थी। वह खिचड़ी स्वयं खाने लगा कि तब तक रामदीन की माता वहां पर आ जाती हैं और रामदीन उन्हें रात्रि की बात बताता है और उन्हें खिचड़ी खाने को देता है। रामदीन की माता उस खिचड़ी को जब खाती हैं तो कहती हैं, इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाई थी, कौन है वह स्त्री? तब रामदीन कहता है, पता नहीं, वह तो चली गई, लेकिन जो भी थी उसने मुझे बहुत सहायता दी। कल मैं बहुत खिन्न था, आज मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। इस प्रकार रात्रि का समय आ गया कि दभी दरवाजे पर वह स्त्री एक बार फिर से रामदीन को खड़ी हुई दिखाई दी। रामदीन ने कहा, तुम रात्रि होते ही आ जाती हो और दिन में गायब हो जाती हो, कहाँ गई थी? तब वह कहती है, अरे तुम्ही को तो मैंने वचन दिया है कि मैं तुम्हें भोजन रोज बनाकर दूंगी। रात्रि के भोजन का समय हो चुका है और सुबह का भोजन मैं हमेशा बनाकर जाती हूँ। यह बात बिल्कुल सत्य थी। कुछ ना पूछते हुए रामदीन उसकी बात को मान गया। रामदीन भोजन उसके द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट भोजन का लाभ लेते हुए कहता है, क्या तुम शादीशुदा हो? तो वह कहती है, नहीं, मेरा पति बहुत पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, मैं तो अकेली हूँ, अब मुझसे कौन विवाह करेगा? तब रामदीन कहते हैं, ठीक है, मेरा एक प्रस्ताव है, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? क्योंकि मुझे ऐसी ही जीवन संगिनी की आवश्यकता है, मैं तुम्हारा पूरी तरह ख्याल रखूंगा। तब वह कहने लगी, मेरी भी एक शर्त है, मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, लेकिन कभी भी तुम मेरे किसी वस्त्र को हाथ नहीं लगाओगे। यह बात थोड़ी अचरज भरी थी, लेकिन रामदीन ने मान ली। और दूसरी शर्त उसने यह रखी कि मैं दिन भर क्या करूंगी कभी नहीं पूछोगे, क्योंकि मैं दिन में तुम्हारे पास नहीं होंगी, केवल रात्रि के समय ही आऊंगी। रामदीन ने उसकी यह शर्त भी मान ली। इस प्रकार रामदीन और उसने गंधर्व विवाह कर लिया। इस प्रकार रामदीन की जिंदगी बहुत अच्छी चलने लगी। धीरे धीरे उसके पास रुपए, पैसे, धन सब कुछ आने लगा। समय बीतता गया, लोगों को इस बात से जलन होने लगी। इसके रहस्य का पता लगाने के लिए रामदीन के रिश्तेदार, उसकी माँ इत्यादि चुपचाप रात के समय उसके घर में जाकर बैठ गए। तभी वह स्त्री दोबारा आई और उसने रामदीन को कहा, तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुम्हारे घर के अंदर बैठे हुए हैं, इनका क्या करना है? तब रामदीन ने कहा, मेरा तो मन होता है कि मैं इन्हें लाठी डंडे से बुरी तरह पीटूं, क्योंकि इन लोगों ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। बस इतना कहना था कि उस स्त्री ने डंडा उठाया और बुरी तरह उन सबको पीट दिया। तब उस हरकत से अचंभित होकर रामदीन ने एक गलती कर दी। उसने उस स्त्री के कपड़ों को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया, जैसा कि उसने वचन लिया था कि वह कभी भी उसके कपड़ों को हाथ नहीं लगाएगा। और जैसे ही उसने उसके वस्त्रों को खींचा, उस जगह एक भयानक स्वरूप वाली चुड़ैल दिखाई दी, जिसका पूरा शरीर जला हुआ था। यह देखकर रामदीन और बाकी लोग बहुत घबरा गए और तब चुड़ैल ने उसी वक्त बड़ा सुंदर रूप बनाकर वहां पर प्रकट हो गई। उसने अपने रूप को परिवर्तित कर लिया। तब चुड़ैल ने कहा, मेरा और तुम्हारा इतना ही संबंध था, आज से मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि शर्त के मुताबिक तुम मेरे वस्त्रों को नहीं छू सकते थे। मैं तुम्हारी पत्नी बनकर अवश्य रही, लेकिन मैं तुम्हें इतना धन अवश्य देती हूँ जिससे तुम अपना जीवन अच्छी प्रकार आगे चलकर व्यतीत कर पाओ। तब
रामदीन ने पूछा, तुम इंसान नहीं लगती हो, तुम कौन हो, मुझे अपनी कहानी के विषय में बताओ। तब वह कहती है कि आज से 400 वर्ष पूर्व इसी स्थान पर मैं और मेरे पति रहा करते थे। एक बार ज्यादा भोजन बनाने के लिए मैं बाहर आकर भोजन बना रही थी इसी काले पात्र में, तभी डाकुओं ने हमला किया और मेरे पति को बांधकर उन्होंने घर में आग लगा दी। मैं अपना यह बर्तन और उसका खाना लेकर अपने पति के पास जा रही थी। मैंने देखा कि मेरा पति संकट में है, तो मैं जलते हुए घर में प्रवेश कर गई। मैं भी अपने पति के साथ जलकर यहाँ मर गई थी। तब से यह बर्तन यहीं मौजूद था। मेरी अंतिम इच्छा थी कि मैं अपने पति को भोजन बनाकर खिलाऊं, किंतु तब से मेरी आत्मा यहीं भटकती रही। जब इस बर्तन को बाहर निकाला गया तो मेरी इच्छा थी कि मैं इस बर्तन से अपने पति को संतुष्ट करूं। तुमने जब मुझसे विवाह किया तो तब से तुम मेरे पति हो गए और मैंने तुम्हें संतुष्ट किया, भोजन बनाकर खिलाया। धीरे धीरे मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो गईं। अब मैं इस चुड़ैल योनि से मुक्ति प्राप्त कर रही हूं और मेरे पति मेरे कपड़े को पकड़कर खींच रहे थे ताकि मैं उन्हें बचा पाऊं, किंतु मैं बचा नहीं पाई थी। इसीलिए मैंने शर्त रखी थी कि मेरा कपड़े को कोई नहीं छुएगा। तुमने मेरे कपड़े को छूकर उस वचन को तोड़ा, इसलिए मेरा और तुम्हारा संबंध भी आज से समाप्त होता है। मैं तुम्हें इस बर्तन में कुछ सोना चांदी प्रदान करती हूँ। अच्छी प्रकार से जीवन जीना, लोगों की भलाई करना। और यह कहते हुए चुड़ैल फिर वहां से गायब हो गई। सारे लोगों ने यह बात देखी थी, इसलिए परिवार वाले जो अभी तक रामदीन से चिढ़ते थे उसे अपने परिवार में वापस बुला लेते हैं। रामदीन भी बड़ा हृदय दिखाते हुए प्राप्त हुए उस सोने चांदी को सभी के साथ बांट लेता है और इस प्रकार उस परिवार में खुशहाली वापस लौट आती है। सभी एक दूसरे का ख्याल रखने लगते हैं। यह हमारे पूर्वजों की ही कहानी थी गुरुजी। आज के युग में कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन कहानी के रूप में लोगों का मनोरंजन अवश्य ही इस कहानी से हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए गुरुजी मैं आपका सहृदय धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस कहानी को प्रकाशित किया। आपको प्रणाम गुरुजी। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने चुड़ैल के बर्तन के माध्यम से एक अद्भुत चमत्कार और एक व्यक्ति के जीवन में चुड़ैल का आना, उसका उस व्यक्ति से विवाह करना और अपनी अंतिम इच्छा को पूरी कर वापस चले जाने का एक अनुभव बताया है। ये कहानी बड़ी मार्मिक भी है और बहुत सारे रहस्य लिए हुए भी है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।